एमटीवी असल सीजन 4 वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट रैप रियलिटी शो जो हमें कुछ ही महीनों में देखने को मिलने वाला है। सेकंड प्रोमो में एमटीवी असल ने फाइनली स्क्वाड बॉसेस को रिवील किया है और अभी तक मेन जज का कोई अता पता नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बादशाह इस बार मेन जज नहीं हो सकते एंड बेला भाई का कट चुका है फिर से, बिकॉज फैंस ये बहुत एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे एमटीवी असल वालों से कि एटलीस्ट बेला भाई स्क्वाड बॉसेस में तो होंगे, बिकॉज डायरेक्टली मेन जज बनना ये पॉसिबल नहीं लग रहा। एंड ऑल्सो क्यू रफ्तार भाई भी इस बार मेन जज नहीं होने वाले एमटीवी असल सीजन 4 के। सो टू फाइंड आउट वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। लेट्स स्टार्ट इट। सो रिसेंटली एमटीवी असल वालों ने सेकंड प्रोमो उनका रिलीज किया जिसमें उन्होंने फाइनली स्क्वाड बॉसेस को रिवील कर दिया है और इस बार डीएमसी, ईपीआर, टीनो जेम्स एंड राघा भाई ऐसे स्क्वाड बॉसेस हमें देखने को मिलने वाले हैं। बट द क्वेश्चन इज हु विल बी द मेन जज। बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इक्का भाई लास्ट ईयर एज ए स्क्वाड बॉस थे तो प्रोबेबली हो सकता है कि इस बार वो मेन जज बन सकते हैं। बट यार अगर इस बार इक्का भाई अगर मेन जज बने ना तो लोगों को इतना पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो बोलता हूँ कि अगर इक्का भाई को ही मेन जज बने ना तो उससे अच्छा रोहन करियाबा को बना दो है, क्योंकि ही इज एक्चुअली लेजिटिमेट गाय हु हैज फार मोर नॉलेज अबाउट हिप हॉप देन मेनी अदर आर्टिस्ट। इसके पहले जब फर्स्ट प्रोमो आया था एमटीवी हसल का तब उसमें उन्होंने ऐसी स्कीम निकाली थी कि जनता चुनेगी जज। अब इसमें ऐसा था कि आप जनता जिसको सबसे ज्यादा वोट देंगे वो एज ए जज बनेगा, बट इसके हिसाब से तो फैन बेस हनी सिंह का बहुत ज्यादा है, उसके बाद एमी विबंडाय का, देन एमसी स्टैन का, तो इनका फैन बेस एक कल्ट फैन बेस है जो बहुत ही वाइडर ऑडियंस कवर करता है, तो उसके हिसाब से तो इन लोग जज बनने चाहिए। बट अगर एमी विबंडाय एंड रफ्तार दोनों एक साथ जज बन गए तो लोग आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस को देखेंगे नहीं एंड इनके जजमेंट के ऊपर ही भसर करते रहेंगे। सिमिलर केस विल बी एप्लीकेबल इफ द जजेस विल बी बादशाह एंड यू ओनी सिंह, बट बादशाह खुद इंडियन आइडल में जा रहे हैं तो वो तो इस बार जज बनेंगे नहीं एंड यू ओनी सिंह तो रिसेंटली ग्लोरी एल्बम लॉन्च हुई है तो उसके ही टूर में वो बिजी है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, तो उनका भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है। बात करें रफ्तार भाई की तो रफ्तार भाई खुद करण जोहर के रियलिटी शो द ट्रेडर्स में एज ए कंटेस्टेंट बन के जाने वाले हैं, सो उनकी भी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। एमटीवी असल वाले ने जो स्कीम निकाली थी कि जनता चुनेगी जज, ये एक्चुअली अब उन्हीं पे बैकफायर हो रही है, क्योंकि अब अगर उन्होंने कोई ऐसा जज चुन लिया जिसको वोट्स भी जनता की तरफ से बहुत कम थे तो लोगों को पता चल जाएगा कि एक पीआर मूव थी, ऑलरेडी उनका डिसाइडेड था कि किसको जज बनाया, देन फिर हमसे ओपिनियंस क्यों मांगे। बट इस बार एमटीवी असल वाले खुद ही सोच रहे हैं कि आखिर जज बनाए तो बनाए किसको, क्योंकि जो मेन मेजर आर्टिस्ट है वो एक्चुअल में बिजी अपने खुद के इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स में। दैट इज व्हाई हमें डीले देखने को मिल रहा है एमटीवी असल की तरफ से टू अनाउंस द मेन जज। बट स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट बेला के 5% चांसेस है यहाँ पे जज बनने के एंड 95% चांसेस है किंग के एज अ जज ऑफ एमटीवी असल सीजन 4, बिकॉज लास्ट ईयर किंग फाइनल स्क्वाड बॉसेस में भी थे। बट आई होप दैट कि इस बार जो हसल सीजन 4 होने वाला है उसमें रैपर्स अपने टैलेंट एंड लिरिकल राइम स्किन बहुत ज़्यादा शोकेस करेंगे ओवर कमर्शियल रैप, बिकॉज लास्ट ईयर केडन ने कमर्शियल रैप को इतना मोर एडवांटेज दे दिया था कि बहुत लिरिकल रैप करने वाले बहुत ही कम थे, ओनली गॉश एंड उदय, बिकॉज एट दी एंड ये फर्क नहीं पड़ता कि आप केडन की तरह कितना कमर्शियल रैप करके कितनी ऑडियंस को गैदर कर रहे हो एज ए फैन बेस, बट आप कितनी शोकेसिंग कर रहे हो आपका लिरिकल टैलेंट, आपकी वर्सेटैलिटी की वजह से लास्ट ईयर उदय जीते थे। सो दिस वॉज माई कंप्लीट रिव्यू ऑन एमटीवी असल सीजन 4 जज एंड फाइनल स्क्वाड। इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। पीस आउट।